हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। टैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हिंदी विद अस। लेट्स टैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हिंदी। टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। आपको बस छोटा सा काम करना होता है, डाउनलोड ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। और इसके साथ ही आपके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ आपकी हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में, 1500, 519 कोर्सेज से ज़्यादा के साथ। 44,000 फीस है 12 महीने की। सब्सक्रिप्शन आप जैसे लेते हैं, आपको 2 साल की फीस 64,000 होती है, लेकिन ये 57,000 की फीस हो जाती है। एनकेसीएस का कोड रेफर करते ही, कोड डालते ही आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आए अनअकैडमी, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच भी मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और फीडबैक भी मिलता है, प्लस प्लस कोर्स के जो भी फैसिलिटीज है वो भी मिलती है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 64,000 की फीस 57,000 में। एनकेसीएस का कोड रेफर करते हैं, 99,000 की फीस 39,000 में अगर एनकेसीएस कोड का रेफर करते हैं तो। तो आज वेलकम टू ऑल। हाँ, अरुण कुमार, आयुषी, गुड इवनिंग। डेविल सीरो बॉस हेलो, सचिन नमस्कार, अनीता हेलो, अनु मलिक हेलो, राहुल वर्मा हेलो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास है यहाँ पर जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो प्रश्न आए हैं कल, उनको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिल सकती है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। साथ साथ हम उन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, उनके उत्तर क्या हैं। कल 2020 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और उसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। सिंचाई जल की क्षारियता का नियंत्रण संभव है रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है ना। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। देखिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे रही है। पहला क्वेश्चन है सेट सी का, मैं बता दूं, ये सेट सी का पहला क्वेश्चन है। सेट चार सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सारे क्वेश्चन सारे सेट में होते हैं, लेकिन सेट सी में इस सीक्वेंस में है। ठीक है, ये सारे सेट में भी होंगे। देखिए पूछ रहा है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन है ना। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं, ज्यादातर इनऑर्गेनिक कार्बनिक होते हैं, प्लस इरिगेशन साथ में सिंचाई। तो उर्वरकों का और पानी का दोनों का एक साथ इंजेक्शन कहाँ, खेतों में, इसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। भाई फर्टिगेशन में कह रहा है कि फर्टिगेशन के लाभ क्या हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, कई बार लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब से यूपीएससी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS को भी इंक्लूड किया है IAS के प्रीलिम्स के साथ, तब से एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन की तादाद बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट की तादाद बढ़ गई है। अब इसमें हाँ, सान्या सिंह हेलो, उषा माथुर नमस्ते, गुड इवनिंग, ठाकुर सुरेश प्रताप, ज्योति गुड इवनिंग, जेनोफिलिया हेलो, स्वाति सिंह गुड इवनिंग, राहुल वर्मा हेलो, अनु मलिक हेलो। चलिए आगे चलते हैं।
तो इसमें देखो सबसे जो भी एस्पेक्ट है, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। यूपीएससी कोड का बहुत सहारा लेती है कंफ्यूज करने के लिए, है ना, पर आपको घबराना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो अगले साल आपका नंबर जरूर है। जो इस साल दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कट ऑफ 100 के आसपास रहेगा, है ना, 100 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। तो ये देखिए, हाँ उषा माथुर नमस्ते। सिंचाई जल की क्षारियता का नियंत्रण संभव है, मतलब अगर हम फर्टिगेशन से, फर्टिगेशन का लाभ क्या है कि जो क्षारियता होती है मृदा में उस क्षारियता को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्षारियता शुष्क प्रदेशों में दिखाई देती है, शुष्क प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में, गर्म और शुष्क प्रदेशों में इस जलवायु में क्षारियता होती है, तो यहाँ पे उस क्षारियता का भी नियंत्रण हो सकेगा, क्योंकि हम सिंचाई तो कर रहे हैं तो अब शुष्कता खत्म हो जाएगी तो सिंचाई का नियंत्रण संभव है, पहला सही है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, क्या दूसरा भी सही है? तो मैं बता दूं दूसरा फॉस्फेट रॉक, ध्यान रखिएगा जो फॉस्फेट रॉक है सर, आपने फॉस्फेट रॉक डायरेक्टली, ये देखिएगा ध्यान से, फॉस्फेट चट्टान की बात हो रही है, ये फर्टिलाइजर उर्वरकों के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि ये अघुलनशील होता है, अघुलनशील होगा और इसको इसको उर्वरक बनाने में इसका उपयोग हो सकता है, उर्वरक बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रॉक फॉस्फेट का या अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव नहीं है, ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, पोषक तत्व ज्यादा आप दे सकते हैं, बिल्कुल आपको पता होता है कि फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं इरिगेशन के साथ, सिंचाई के साथ, तो फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो बढ़ाई हुई मात्रा में भी आप पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं पौधों को। तीसरा, चौथा, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। गुड इवनिंग अरुण यादव, राहुल वर्मा, यस अवनीश आर्यन, हेलो सर नमस्ते अवनीश। तो रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, क्योंकि निक्षालन की प्रक्रिया कब होती है, मृदा के संस्तरों में अगर ऊपर से पानी डालते हैं या वर्षा होती है और बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा वर्षा हो गई तो निचले लेयर तक चली जाती है और ऊपर के रासायनिक पोषक तत्व तो भी नीचे बह जाते हैं, है ना, पानी के साथ, जिसको हम निक्षालन कहते हैं। फर्टिगेशन में तो कंट्रोल्ड इरिगेशन है, नियंत्रित मात्रा में सिंचाई होती है, तो भाई निक्षालन की संभावना नहीं है, क्योंकि निक्षालन की संभावना ज्यादा सिंचाई या अत्यधिक वर्षा में होती है, तो रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, कमी होगी, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, उसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमाइट। अब देखिए, वैसे आप खनिज आमतौर पर पढ़ते हैं, मिनरल्स हम सब पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पर जो एनसीईआरटी या किताबों में मिनरल्स दिए होते हैं उनकी चर्चा है ही नहीं है, ये चर्चा होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, मतलब खनन मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, खनन मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की थी रिपोर्ट के तहत ये बात निकल के आती है और फिर यूपीएससी कह देगी कि आपके सिलेबस में खनिज तो था ही, आपने खनिज क्यों नहीं पढ़ा। आप कहोगे कि यूपीएससी भाई साहब, खनिज तो हमने पढ़ लिया था, हमने बुक से भी पढ़ा, लेकिन ये खनिज कुछ सुनने में नहीं आता है, हमें कई खनिज हमने सुने ही नहीं, तो फिर यूपीएससी कहती है आप करेंट अफेयर्स पे क्यों नहीं ध्यान देते, है ना। अगर ये कोई कहे कि करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं है तो मैं कहूंगा नहीं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर में क्या आ गई, खनन मंत्रालय की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में खनिज के बारे में जो जानकारी थी उन्हीं में से इसने उठा लिया है, तो कुल मिला के करंट अफेयर का ही तो क्वेश्चन है, और कुछ लोग कह रहे हैं करंट अफेयर है ही नहीं। हाँ प्रणाम पंकज, ये देखिए बेंटोनाइट कहीं से भी प्रमुख खनिज में नहीं आता, क्रोमाइट मेजर मिनरल्स में आता है और ये धात्विक खनिज है, जैसा आपको पता है ये धात्विक खनिज है,
काइनाइट और सिल्मेनाइट ये अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है ना। मशरूलाल हेलो, तो इसमें देखिए कि ये दोनों जो है ये अधात्विक खनिज और ये धात्विक खनिज, और मेजर मिनरल में तीनों आएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 3, 4, डी। ठीक है, बेंटोनाइट नहीं है। अच्छा आप देखिए, अगर अकेले क्रोमाइट को भी आप देखना चाहें तो क्रोमाइट का कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। दो भी अकेला नहीं है। अच्छा दो किसके किसके साथ है? देखिए कैसे ऑप्शन चूज करते हैं, दो किसके साथ है? एक के साथ। तो एक तो आप पहले ही काट चुके हैं, एक है ही नहीं मेजर मिनरल, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। चौथा, केवल चौथा सिल्मेनाइट, ये भी अकेले नहीं होगा। अब एक और तीन मतलब बेंटोनाइट फिर आ गया यहाँ पे, एक है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? डी ही ना। बचा कौन सा? डी। ठीक है, केवल 2, 3, 4, समझ गए। हाँ सुरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। राहुल वर्मा, डी। यस, आगे चलते हैं। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय जो है उसमें कौन सा कथन सही है? पहले सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता था, सी सरफेस टेम्परेचर SST, OMT के पहले SST से हम समुद्र के, है ना, ऊपरी सतह का तापमान मापते थे और उस तापमान के अनुसार हम पूर्वानुमान लगाते थे कि कैसा, कितनी वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा होगी मानसून के समय में। OMT का सक्सेस रेट 80%, तो 80% ये सफल बताता है। SST से बेहतर है OMT, ओशन मीन टेम्परेचर, महासागर औसत तापमान। 26 डिग्री समताप रेखा, ये 2018 का प्रश्न है। सोचिए 2018 में हिंदू में ये न्यूज आई थी। अब सोचो 2 साल पहले का भी करंट अफेयर दे रहा है, मतलब 2018 का भी न्यूज दे रहा है ना। तो OMT के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप 2018 का हिंदू का भी देखें, जनवरी से मार्च में भी किया जाता है, ये भी सही है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मापा जाता है, ये भी सही है। लेकिन 129 मीटर, ये डेटा गलत है। देखो डेटा कैसे कंफ्यूज करता है, एक डेटा सही दिया, एक डेटा गलत दे दिया। यहाँ 50 से 100 मीटर की गहराई तक ये तापमान मापा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। OMT में 50 से 100 मीटर तक, भाई पहला गलत हो गया, एक डेटा सही था एक डेटा गलत, लेकिन पूरा गलत हो गया। दूसरा, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है ये सही है। उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक, ये सही है। दूसरा बिल्कुल सही है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। आंसर है बी, केवल 2। ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, बहुत जगह ये कंफ्यूजन दिया गया है। कहीं पर सी लिखा है ना, कहीं पर डी लिखा है। सही उत्तर 1 और 2 दोनों तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन आता है बी और डी में, बी और डी में। तो बी वाला OMT के बारे में जो बातचीत हो रही है सही है, लेकिन इसमें अभी भी कई जगह इस पर शंका है, तो कई लोग बी डाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में। पहला, आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप कहते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं है, कौन कह रहा है नहीं है? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ये भी रासायनिक उर्वरकों पे जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज है, ये लेटेस्ट न्यूज है। वैसे 20 में ही आया था, 2020 का ही न्यूज है, ये इतना पुराना नहीं है ना। तो इसमें अब देखिए, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित है, पूरी तरह से ध्यान में रखिए, सरकार द्वारा नियंत्रित है। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है,
वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद। अच्छा, पहला तो गलत हो गया क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रित है, ये गलत हो गया। सही देखना है ना कौन सा। अमोनिया यूरिया बनाने के काम में आता है, वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ठीक है, अमोनिया प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो अमोनिया बनाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब औद्योगिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और इस औद्योगिक प्रक्रिया में इसमें नेचुरल गैस से अमोनिया निकाला जाता है। नेचुरल गैस से हम H2 लेते हैं और उसको N2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाता है, अमोनिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है। राहुल बादशाह गुड इवनिंग, है ना, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये सही है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है, ये भी बिल्कुल ठीक है, एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है, ये उप उत्पाद है सल्फर, है ना, ये भी सही है। तीसरा मतलब दूसरा और तीसरा सही है। आंसर क्या हुआ, सेकंड थर्ड टेस्ट में बी के हिसाब से बी, पहला गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं इसको, मरु राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह दो जिलों में विस्तृत है, हाँ बिल्कुल, जहां तक मुझे याद आ रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पे दो जिले हैं इसमें, ये भी बात सही है। दूसरा, उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। देखिए यूपीएससी कई बार एक्सट्रीम सेंटेंसेस देती है, एक्सट्रीम मतलब अतिवादी जो वाक्य बना रही है, वाक्य या कथन जो भी है, इस पर आपको डाउट होना चाहिए। यहाँ पर उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, ऐसा दो जिलों में फैला हुआ है और कोई मानव नहीं रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कम होंगे, कम है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल, तो दूसरा गलत हो गया यहाँ पे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है थर्ड, ये बात भी सही है कि ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ही, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, और आपको पता है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, स्टेट बर्ड भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय पक्षी भी है, है ना। और बॉर्न कन्वेंशन के CMS है ना के तहत इसको, इसकी चर्चा की गई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बॉर्न कन्वेंशन में, भाई वहां से भी ये देख के क्वेश्चन उठा सकते हैं। बॉर्न कन्वेंशन से कहाँ पहुंच गया, राजस्थान के मरु राष्ट्रीय उद्यान पर। जो भी न्यूज में आपको उस पर बहुत गहराई में देखना होता है। और इसका सही उत्तर क्या है, देखिए ये जो प्रश्न पूछा था कल UPSC ने, उसमें सही उत्तर अब दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही, इसका मतलब सी है ना। नेक्स्ट, सियाचिन हिमनद कहाँ है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर है, ध्यान रखें जब सियाचिन हिमनद की बात हो रही है तो हम ये देख सकते हैं कि जो सियाचिन हिमनद है अक्साई LSE के, ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर है अक्साई चिन, ठीक है, और इधर हो गया सियाचिन हिमनद, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये है अक्साई चिन। अब पूछ रहा है सियाचिन हिमनद कहाँ है, क्या अक्साई चिन के पूर्व में, नहीं अक्साई चिन के पश्चिम में, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच जो खींची गई है। लेह के पूर्व में है, तो लेह तो बिल्कुल नीचे, ये सियाचिन है, ग्लेशियर है, लेह नीचे यहाँ पे, लेह तो दक्षिण में, ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। गिलगिट के उत्तर में, गिलगिट बल्तिस्तान POK यहाँ पर, गिलगिट खुद उत्तर में है सियाचिन के, सियाचिन उत्तर में नहीं है, गिलगिट उत्तर में है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। नुब्रा घाटी कहाँ है, बिल्कुल सियाचिन के दक्षिण में ही नुब्रा घाटी है, ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो इस हिसाब से नुब्रा घाटी अगर दक्षिण में है तो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हो गया ना,
आंसर कौन हो गया? डी। ठीक है, गुड इवनिंग ममता। नहीं, डी आंसर होगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन घुस गया है पूरे ज्योग्राफी में। चलिए इसको भी कोशिश करते हैं देखने की। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य, पहला क्या है? भिलसा। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो भिलसा मध्य प्रदेश, भिलसा नया नाम है किसका? विदिशा का। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, विदिशा पुराना नाम है मध्य प्रदेश में। ये तो सही है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द्वार समुद्र, जहां तक द्वार समुद्र मुझे याद है महाराष्ट्र में नहीं है। नहीं, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, साउथ के किसी एरिया में। ये गलत है। गिरिनगर गुजरात में, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, गिरिनगर गुजरात में। थानेश्वर यूपी नहीं, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। दूसरा और चौथा यहाँ गलत है, सही कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। ऑप्शन है कोई? हाँ, ये पहला और तीसरा। हाँ नीरज शर्मा, गुड इवनिंग। बी सही नहीं है, बी नहीं है प्रशांत, ए और सी। आगे देखते हैं। केंद्रीय जल भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अति शोषित, ओवर एक्सप्लॉयटेड अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। ओवर एक्सप्लॉयटेड भाई, जो मुझे लगता है कि इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 17% पार्ट इंडिया का, बट ये बहुत ज्यादा हो गया, 36% बहुत ज्यादा है, इससे कम है। तो भाई ये सही नहीं है। पहला, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है ना, के अंतर्गत हुआ है। और ये 1986 में, हाँ बना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा, ये तो आपको पता ही, ये सही हो गया। दूसरा, तीसरा, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? भारत में। ये तो पता है, सबको पता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा कौन सा ऑप्शन होगा? पहला गलत हो गया, तो ये दूसरा तीसरा। ठीक है, बी, आठवां का बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते, क्या ये सही है? भाई कोई भी मौसम संबंधी घटना, कोई भी मौसम संबंधी घटना या जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु क्षेत्र, क्लाइमेटिक रीजन, ये दोनों गोलार्धों में होगा। हाँ, उत्तरी में मजबूत होता है, उत्तरी में मजबूत होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ महासागर ज्यादा है, महाद्वीप कम है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप और महासागर लगभग दोनों हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ये ज्यादा मजबूत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये कमजोर होता है। ठीक है, मौसम संबंधी घटना और जलवायु क्षेत्र कुछ भी हो, दोनों गोलार्धों में, ये दोनों गोलार्धों में होता है, इसलिए पहला गलत। जेट प्रवाह भी दोनों गोलार्ध में हो, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, केवल कुछ चक्रवात। हाँ, जो चक्रवात मजबूत होते हैं, यानी जहां तापमान बहुत अधिक होता है और केंद्र में निम्न दाब होता है, तभी उच्च दाब से हवाएं चारों तरफ से वहां आती हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि यहाँ पर लो प्रेशर मजबूत रहेगा, तभी साइक्लोन बनेगा। तो सब में, जिसमें मजबूत नहीं होगा वो चक्रवात में वाताक्षी नहीं बनेगा, जिस चक्रवात में तापमान अधिक होगा उसको यूपीएससी अगर चक्षु लिख देती तो उसका क्या चला जाता? थोड़ी थोड़ी सी चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चक्षु यानी आई, है ना, आंख कहते हैं इसको, साइक्लोन का आई, वाताक्षी। कई बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे दो तीन प्रश्न हैं। और यूपीएससी कहती भी कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लें, अगर थोड़ी इंग्लिश जान लोगे तो इसका वाला, अगर तुम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो यहाँ आई होगा, जब आई देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा आई का मतलब चक्षु, अपने आप ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं,
ना, प्रॉब्लम को बढ़ाना चढ़ाना चाहिए। हाँ ठीक है, दो तीन बार, दो तीन क्वेश्चन हमेशा रहते हैं यूपीएससी से, उसका क्या मतलब हम यूपीएससी देना बंद कर दें? नहीं, हमें जो सुधार अपने में करना चाहिए वो कर लेते हैं। चक्रवात के सेंटर के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है। चक्रवात के सेंटर का तापमान कम होगा तो चक्रवात बनेगा कैसे? सेंटर का तापमान ज्यादा होता है, दबाव कम होता है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला गलत है। हाँ नहीं, तीसरा भी गलत है, दूसरा सिर्फ सही है। कौन सा हो गया? सी, केवल टू। ठीक है, नेक्स्ट होता है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? क्रांतिक बाघ के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? ये देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो अभी तक पाया गया नागार्जुन सागर और श्री सैलम का है। ये दो राज्यों में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, सबसे बड़ा यही है। रणथंभौर सबसे बड़ा नहीं है, सी होगा 10 का। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा जाए, सिक्स में, अब भाई सबको पता है कि WPA एक्ट है ना, 1972, ये तो ठीक है। इसमें शेड्यूल दिए गए हैं 1, 2, 3, रोमन नंबर में शेड्यूल दिए गए, आपको पता है 4, 5 और 6 है ना। सिक्स की बात हो रही है, सिक्स का क्या तात्पर्य? अगर किसी पौधे की विशिष्ट जाति को अनुसूची सिक्स में रखा गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। देखिए यहां पर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है? बहुत माइन्यूट कंफ्यूजन यूपीएससी ने यहां क्रिएट किया हुआ। कहता है किसी भी परिस्थिति में, और एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां मैंने कहा कि जैसे ही अतिवादी कथन या वाक्य आपको दिखाई देंगे आप उसको समझ लीजिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, हाँ प्रतिबंध है वहां। अच्छा, ये पहले वाले चार तो जंतुओं के लिए, पौधों के लिए है ही नहीं, पांचवा छठा पौधों के लिए। उसमें भी अगर छठे की बात करें तो यहाँ प्रतिबंधित है, कल्टीवेशन प्रतिबंधित है, खेती प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप खेती कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना छोटा सा डिफरेंस है, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया है ना, बाकी तो गलत ही है। शेड्यूल सिक्स में जो मेंशन है मैंने उसके बारे में चर्चा कर दी, आप आंसर ए होगा। आगे चलते हैं, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज के क्या लाभ? जीरो टिलेज के क्या लाभ? जीरो टिलेज मतलब जो मृदा है, मृदा में आप जुताई नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है, मृदा को वैसे ही छोड़ दीजिए, बिना जुताई के छोड़ दीजिए। पिछली फसल जो लगी थी उसके अवशेषों को जलाना भी नहीं है, कि जब जुताई नहीं करेंगे तो अवशेषों को जला के क्या फायदा? अवशेषों को वहीं रहने दीजिए, उससे मृदा और उर्वर हो जाएगी, उसके बिना गेहूं की बुआई संभव। पहला सही है, बिल्कुल ठीक है। 12 नंबर छूट गया, 12 नंबर छूट गया नहीं, उसमें मुझे लग रहा है कोई और टॉपिक होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा तभी छूटा है, क्योंकि तो बीच बीच में कोशिश की गई है, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री के भी थे या कुछ और भी, जैसा भी देखा था, एक 7 नंबर, तो ये ज्योग्राफी वाला ही है, छूटा नहीं है। ठीक है, ठीक है राहुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तुम, अच्छी बात है। पर वो ज्योग्राफी का नहीं होगा तभी उसको हटाया गया। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण किया जाता। भाई जीरो टिलेज में धान के बीजों को सीधा आप रोप सकते हैं, ये भी सही है। कार्बन पृथक्करण संभव है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन पता है ना क्या है? एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को है ना जमीन पे सेटल कर देना,
जमीन पर ले आना, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सीओ टू को, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन पर लाना, मतलब वायुमंडल से हटा देना, तो कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कई लोग इंग्लिश वाला देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ फसलों के अवशेष हैं, है ना, यहाँ पानी भी है, तो ये सब कार्बन को क्या करेगी, अवशोषित कर लेंगी, है ना, अवशोषित कर लेंगी। तो ये हो गया 13 का आंसर, हो जाएगा मुझे लगता है, अभी देखता हूँ। चावल क्या कह रहे हो भाई सानू तिवारी? हाँ 13 का 2, 13 का 2 ये है कि चावल की नई पौध की नर्सरी, चावल और धान एक ही बात है, तुम्हें पता है। इसमें आजकल क्या होता है, पौधों के सफलतम प्रयोग के लिए, मतलब पौधों की, सॉरी फसलों का सफलतम उत्पादन के लिए पहले नर्सरी में डाला जाता है, नर्सरी में उसकी देखभाल अच्छी हो जाती है, तब खेतों में भेजा जाता है, ताकि उस पर किसी तरह का चाहे जलवायु प्रभाव या कोई बीमारी वगैरह उसको ना हो। तो यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं, जीरो टिलेज का ये फायदा है कि धान के बीजों का नम मृदा में सीधा रोपण संभव है, सीधा ही आप धान के बीज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, दूसरा तीसरा दोनों सही, पहला गलत है। नहीं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, क्या बात है, तीनों सही है, मतलब डी, ठीक है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल, मतलब आपको जैव ईंधन बनाना है, और राष्ट्रीय नीति के अनुसार मतलब हम कुछ भी किसी भी सामग्री से किसी भी कच्चे माल से नहीं बना सकते, जो राष्ट्रीय नीति बनी है, पॉलिसी बनी है, उसी के अनुसार हमें कच्चा माल चुनना है जैव ईंधन बनाने के लिए। तो जैव ईंधन बनाने के लिए कसावा, बिल्कुल ये लिस्ट में है राष्ट्रीय नीति में, देखोगे तो स्टार्ची होता है ये तो, है ना, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने क्षतिग्रस्त हैं, तो इनका जैव ईंधन बनाया जाए, बिल्कुल ठीक है। मूंगफली के बीज, नहीं ये नहीं है जैव ईंधन। कुल्थी, हॉर्स ग्राम, ये भी लिस्ट में नहीं है। सड़ा आलू है, चुकंदर भी है, इस हिसाब से कौन हो गया पहला, दूसरा, पांचवा और छठा है लिस्ट में, कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, हाँ 1 2 5 6, ठीक है इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का, सोशल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। ये अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं, जिसमें सोशल कॉस्ट क्या है, डॉलर्स में एस्टिमेट किया जा रहा है, डॉलर में लगाया जाता है, इसका मूल्यांकन डॉलर में होता है। डॉलर में जो इकोनॉमिक डैमेज, आर्थिक जो क्षति पहुंचती है डॉलर में, उसका कैलकुलेशन होता है। कैसे क्षति पहुंचती है? एक वर्ष में 1 टन CO2, 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, है ना, का मापना ही सामाजिक मूल्य, कार्बन का सामाजिक मूल्य है। और जो ये क्षति होती है वो हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर। पहला सही है, दूसरा तो है ही नहीं, तीसरा नहीं, तीसरा ये सब है ही नहीं, पहला ही है, 15 का ए, ठीक है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो देती है सोशल, ये तो भाई सामाजिक मूल्य, ये मैंने इन्वायरमेंट वाली क्लास में बताया हुआ था, तो ये तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। कौन कहता है करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं? कई लोग कह रहे करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं, ये करंट अफेयर का है। जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति, ये भी करंट अफेयर है, कैसे कह सकते हैं करंट अफेयर नहीं? और हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ा कम है, पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है ना? उड़द की खेती, उड़द
की जो दाल है, हाँ बिल्कुल, खरीफ में तो होती होती है, मेनली महाराष्ट्र और एमपी में होती है। ठीक है, 70% खरीफ में होता है, 30% रबी में भी होने लगा है, ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत में 30% उड़द की दाल की खेती रबी में भी होती है, मतलब दोनों में हो रही है, तो ये सही है, दोनों में हो रही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पूरे भारत में जो दाल आधा मूंग होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए फिर एक्सट्रीम सेंटेंस, मैंने पहचानने का कारण बताया था पहले भी, जहां भी अतिवादी लगे आपको, लगभग आधा, आधा नहीं हो सकता, आधे से कम है मूंग, बाकी दाल क्या करेंगे, ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, ऐसा नहीं है, ये भी तीसरा भी गलत है, कौन सा सही है, सिर्फ पहला। ठीक ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इतने फसलों के बारे में खूब पढ़ते हैं, फसलों के बारे में बहुत पढ़ते हैं, और ये एक फसल के बारे में एक क्वेश्चन है भी कि भाई कौन सी फसल इस परिस्थिति में उगाई जा सकती है, उपोष्ण प्रकृति, मतलब हमारे यहाँ भी उग सकती है, कठोर पाला इनके लिए हानिकारक होता है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, हल्की सुअपवाहित मृदा, सुअपवाहित मतलब अच्छे से उसमें से पानी निकलना चाहिए, सुअपवाहित इसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, हल्की सुअपवाहित मतलब अच्छे से पानी नहीं, बहुत हल्का पानी निकलना चाहिए, तभी तो नमी धारण करेगी खेती के लिए। और ये आपको पता है, इससे आपको पता चलता है नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में है, ब्लैक कॉटन सॉयल है ना, ब्लैक कॉटन सॉयल में नमी धारण करने की क्षमता है, मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, इस हिसाब से ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, कपास, तो यहाँ से भी आप गेस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, कपास होगा। ठीक है, सौर जल सोलर वाटर पंप के बारे में पूछा जा रहा है, सोलर वाटर पंप के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए, सबमर्सिबल पंप और सरफेस पंप, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है भाई, सोलर एनर्जी है ना, हमें एनर्जी चाहिए, चाहे कोई भी पंप चला उससे क्या मतलब है, पहला सही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड में कई जगह पिस्टन वाले पंप, और हमारे भारत में साउथ इंडिया में एक गाँव है वहां भी पिस्टन वाले पंप का प्रयोग शुरू हो चुका है, सौर ऊर्जा से चलने लगा, तो ये सौर ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए किस लिए, मशीनों को चलाने के लिए, चाहे कोई भी मशीन हो, एनर्जी तो होनी चाहिए पहले, ये दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, सी, एक और दो दोनों। ठीक है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है ना, बर्ड चिप सेटलिंग, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तो ये देखिए इसमें एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये देखो जैसे कि एक स्टेम है ना, एक तना है, इसमें से ये कुछ निकला हुआ है ऐसे, बड्स, इनको बड्स कहते हैं, तो इस तने से इसको काट के यहां से निकाल लो, यहां से तने से इस भाग को काट के निकाल लिया और इस भाग को इकट्ठा कर लिया जो यहां से काट के निकाला, तो इसी को कहते हैं बर्ड चिप सेटलिंग। अब इन्हीं को नर्सरी में उगा दिया आपने, नर्सरी में उगा दिया तो बीज की जरूरत नहीं है, बीज सामग्री की जरूरत नहीं है, इनसे ही काम चल जाएगा,
कि बहुत ज्यादा बीज, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा बीजों की आवश्यकता होती है, उन बीजों का परिवहन भी बहुत खर्चीला हो जाता है, और गन्ने से जो चीनी वगैरह निकलता है बहुत महंगा हो जाएगा। तो इस टेक्निक के जरिए बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है और पैसे में भी काफी बचत होती है। नहीं सानू तिवारी, मेरा ऑनलाइन आने का टाइम 11 बजे सुबह है। आज तो मैं बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले रहा हूँ, सुबह 11 बजे क्लासेस चलती हैं, तो इस तकनीक में फायदा क्या है कि आपको ज्यादा बीज बीज की जरूरत नहीं होती, पैसे बचते हैं, परिवहन में आपका खर्च बचता है। पहला सही है, सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका भी। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है, ये ठीक है। टिश्यू कल्चर के माध्यम से किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ने की खेती, टिश्यू कल्चर को मॉडिफाई करके गन्ने की खेती की जा सकती है। इसमें कौन सा सही है, पहला और चौथा, ये सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविध रूपन मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, है ना। थोड़ी बहुत हिंदी मीडियम वालों सब लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा, इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लो, है ना, फायदा होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक खेत में आपने एक तरह की फसल लगाई, फिर उसके बाद दूसरे तरह की फसल लगाई, फिर तीसरे तरह की फसल लगा दी, मतलब फसल वैविधीकरण। इससे क्या होता है, फसलों में जो खनिज है या पोषक तत्व यकायेक खत्म नहीं होते, बने रहते। तो भाई ये तो पारितंत्र के इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली इसको कहते हैं, है ना। सिम्बायोटिक के लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लिग्यूम क्या होता है, फलीदार पौधे, पता ही है, फलीदार पौधे। तो फलीदार पौधे जैसे बीन्स हो गया, है ना, बीन्स, बरसीम, मटर, चना, इस तरह के फलीदार जो पौधे होते हैं, राजमा वगैरह। तो इस तरह को अगर इस तरह के पौधे लगाएंगे तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को वायुमंडल से मृदा में, ये पौधे मृदा में भेज देते हैं भाई। इससे भी तो मृदा में पोषक तत्व तो आ गए इन फसलों को लगाने से, और ये भी इको फ्रेंडली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी सही है। टेंसियोमीटर क्या है, टेंसियोमीटर मृदा में जल के दबाव का, वाटर का प्रेशर, है ना, जल के दबाव को मापने का एक यंत्र है। तो जल का दबाव अगर हम मापेंगे सही रूप में, क्या जल का दबाव है, तभी तो फसलें अच्छी होंगी। ये भी पारितंत्र के अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक टेस्ट, ये ट्यूब होता है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है, इको फ्रेंडली ट्यूब है, इससे जल का दबाव हम मापते हैं। टेंसियोमीटर भी सही है। चौथा तो क्या, ऊर्ध्वाधर कृषि। ऊर्ध्वाधर कृषि का मतलब जैसे रैक होता है, रैक पर मान लो ये रैक है एक के ऊपर एक, और इस रैक में छोटे छोटे बर्तन है, उसमें आपने पौधे लगा रखे, तो हर रैक पर पौधे हैं या फसलें हो सकती हैं, सब्जी फल फूल, सब्जी फसल कुछ भी। तो इससे क्या होता है, जगह बचती है, इनका इनकी आप देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। बारिश अगर ज्यादा हो रही है तो उठा के घर के अंदर रख दीजिए, तो क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट नहीं होगा, इसको ऊर्ध्वाधर कृषि कहते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर कृषि। अर्चना, अर्चना
अच्छा ना, मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं, देखो जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मान लो इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे टॉपिक के टीचर्स ने अगर डिस्कस किया तो गलत ही बता सकता, हो सकता है कुछ उल्टा बता दे, गलत बता दे, हो सकता है ऐसा। इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट को ही डिस्कस करना ठीक ठाक समझा। डिस्कस तो मैं सारे कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि अपने सब्जेक्ट को किया जाए और बाकियों को उनके सब्जेक्ट पे छोड़ दिया जाए, उनके सब्जेक्ट के गुरुजनों पे, है ना। चारों सही है, 1, 2, 3 और 4। हाँ, नीरज का भी कहना सही है, बिल्कुल सही नीरज शर्मा, थैंक यू। चलिए तो ये चारों चारों जवाब सही है, चारों इको फ्रेंडली है, पारितंत्र के अनुकूल कृषि है। ओके, थैंक यू नीरज, थैंक यू। चलिए भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन एलिफेंट्स के संदर्भ में, हाँ अर्चना नमस्कार भाई, ठीक है, थैंक यू। हाथियों के संदर्भ में, हाथियों के समूह का नेतृत्व तो मादा हाथी करती है, यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा सही है ये देखना है। मादा हाथी मतलब मैट्रियार्की, हमारे भारतीय समाज में पैट्रियार्की है ना, पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान, और हाथियों में मैट्रियार्की है मतलब नारी प्रधान। तो ये सही है, हाथियों के समूह का नेतृत्व तो मादा ही करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, मतलब जब तक हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, वो 22 माह तक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लंबा समय होता ही, कई बार तो 2 साल से ज्यादा हो जाता है। सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। इस डेटा में थोड़ा सा अगर कहें इस थर्ड वाले ऑप्शन के डेटा में 40 वर्ष तक की आयु के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं इस डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 60-17 साल की आयु में हाथी क्या होते हैं, वयस्क हो जाते हैं। 17 साल की उम्र में हाथी वयस्क हो जाते हैं, और चालीस साल तक की, हाँ 17 साल तक, और 60 साल की उम्र ही होती है मुझे लगता है, 60 से 70 साल तक औसत उम्र होती है। 40 साल तक बच्चे पैदा करने की इनमें क्षमता होती है, तक ही, ये देखो आयु तक ही, फिर यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आगे जहाँ डाउट होता है, और ये बात सही है कि 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, इसके बाद भी होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की संख्या, जीव संख्या सर्वाधिक कहाँ है, केरल में, ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा है कर्नाटक में, ध्यान रखना ये, हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में। तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा और चौथा सही है। इस हिसाब से 1 मिनट रुक जाओ, हाथियों का समूह 1, 2, तीसरा चौथा भी गलत हो गया ना, क्योंकि कर्नाटक में, हाँ ठीक है, 1 और 2 ही ऑप्शन है, मतलब ए, ठीक है, ए है नीरज, यहाँ पे ए होगा। हाथियों का समूह नेतृत्व तो मादा करती है, और ये जेस्टेशन पीरियड दूसरा भी सही है। तीसरा मैंने बताया था 40 वर्ष तक की आयु तक बच्चे पैदा नहीं, इससे ज्यादा में हो सकता है, और चौथे में हाथियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है, तो तीसरा और चौथा गलत है, ठीक है नीरज, ए होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, कावेरी बेसिन में, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाग, वायनाड, ये तीनों तो कावेरी, नागरहोले भी ठीक है, कावेरी के पास, ये कहाँ चला गया, नागरहोले भी कावेरी, पापी कोंडा ये गोदावरी के पास आ जाता है, थोड़ा और उत्तर में, ये कावेरी, ये भी कावेरी के आसपास, ये भी कावेरी, एक दूसरा गलत है, पहला तीसरा चौथा, ये सी सही होगा। चलिए टाइम ओवर होने वाला, फटाफट करते हैं क्योंकि मेरी फिर अगली क्लास है। ओके,
भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंटेड और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? क्या है ये? ये सीलोन मतलब ये श्रीलंका से आया था और ये पक्षी का स्पीसीज है, पक्षी का, ठीक है? तो आपको ही पता है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास भक्षी है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कौन सा है? प्रसिद्ध पूछ रहा है। मानस में भी बारहसिंगा है, मधुमलाई, ताल छापर। ताल छापर में तो चिंकारा है, चिंकारा पता होगा, ब्लैक बक बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये सलमान खान वाले न्यूज में चिंकारा वगैरह सुना होगा। ताल छापर नहीं होगा, मधुमलाई भी साउथ में है तो ये भी मधुमलाई वन्यजीव नहीं, ये भी नहीं होगा। मानस में बारहसिंगा है पर मानस में कम है, कान्हा में अधिक है और प्रसिद्ध भी कान्हा ही है। ठीक है, फटाफट करते हैं, टाइम हो रहा है मेरा। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, बिल्कुल ठीक है। कृषि मृदा के सुधार में इस्पात स्लैग का क्या काम है? कोई काम नहीं है। सीमेंट उत्पादन के लिए, हाँ ये हो सकता है। एक मिनट, कृषि मृदा सुधार के लिए भी इस्पात स्लैग का यूज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कृषि मृदा सुधार के लिए भी हो सकता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए भी हो सकता है। तीनों होगा, आंसर डी है, आंसर डी डी होगा, नीरज। कृषि मृदा सुधार के लिए तो सही बात है, स्पात स्लैग, स्पात सीमेंट के उत्पादन के लिए टू नहीं होगा, टू काटो, पहला और तीसरा इसके अनुसार सी आंसर है। कृषि मृदा सुधार के लिए इसका यूज नहीं किया सकता किसी भी हालत में नहीं, आधार सड़क के निर्माण और सीमेंट के लिए, ठीक है? नहीं, सी सी होगा, एक और तीन, डी नहीं होगा, मैं यही कह रहा हूं, डी नहीं होगा। ठीक है, कृषि मृदा में कहीं आज तक न्यूज में नहीं आया है कि कृषि मृदा सुधार के लिए इस्पात स्लैग का यूज किया जाए, कहीं पर न्यूज में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। एक तो जहां तक मुझे याद आ रहा है अस्कोट तो है ही, गंगोत्री नहीं है, किशनपुर में भी कस्तूरी मृग नहीं है, मानस में है क्योंकि तो बारहसिंगा भी वहां पे है, अस्कोट और मानस, एक और चार, डी, आंसर डी है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिन्ह को घटाने के लिए किसके प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है? कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए किसको प्राथमिकता दी जाती है? ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता मतलब इन्वायरमेंटल को सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो इसमें ताम्र स्लैग ये भी होगा, एसफाल्ट प्रौद्योगिकी ये भी होगा, तीसरा नहीं होगा, एक दो तीसरा, हाँ नीचे कूट का से, तीसरा जियो टेक्सटाइल भी होगा, बिल्कुल ठीक है। उस में से एस्फाल्ट नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, चौथा पांचवा नहीं, मतलब ए होगा इसका, बी नहीं होगा, पहला तीन आंसर है, डी तो है ही नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर ए है। कोयले की राख में आर्सेनिक निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, कोयले
कौन सा सही है? कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा अंतर्विष्ट होते हैं, ये सब कुछ कोयले की राख में मिलता है? नहीं, ये नहीं मिलता है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड करता है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी सही, क्योंकि भारत में बिटुमिनस और लिग्नाइट ये अच्छे किस्म के कोयला नहीं है, इसलिए इसमें राख ज्यादा होती है। एंथ्रेसाइट वाले में राख कम होती है, और एंथ्रेसाइट हमारे भारत में नहीं मिलता है। दूसरा तीसरा सही है, आंसर बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? बायोचर का क्या उपयोग है? बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सही है। दूसरा, जब बायोचर वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन यौगिक कार्य सूक्ष्मजीव वृद्धि को बढ़ावा होता है, ये भी सही है। जब बायोचर वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का डी है, 1 2 3। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में मेकोंग नदी अंडमान सागर में गिरती है? नहीं, मेकोंग कहाँ गिरती है? मेकोंग गिरती है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी। थेम्स आयरिस में? नहीं, थेम्स गिरती है नॉर्थ सी में। वोल्गा ठीक है, कैस्पियन में गिरती है। जम्बेजी भी सही है, हिंद महासागर में गिरती है, तो इसके अकॉर्डिंग सी है। ठीक है, तो चलिए, ये तो था ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। कल मिलते हैं 11 बजे फिर। चलिए, लेट्स क्रैक इट। NKSUS लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। NKSUS 10% डिस्काउंट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।